कुछ दिन पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने अपने एक बयान में आरोप लगाया था कि इस्कॉन संस्था अपनी गौशालाओं की गायों को कसाईयों को बेच रही है और यह संस्था हिंदुओं की भावनाओं के साथ विश्वासघात कर रही है। ये विवाद कई दिन से चल रहा है, लेकिन आज एक बड़ी खबर आई है। इस्कॉन ने इन आरोपों के लिए मेनका गांधी पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा कर दिया है और नोटिस भेज दिया है और कहा है कि अगर मेनका गांधी ने अगले एक हफ्ते में अपने आरोपों के लिए माफी नहीं मांगी तो इस्कॉन उनके खिलाफ ये 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर कर देगा। आज इस्कॉन कोलकाता की तरफ से हमने एक हमारे एडवोकेट के थ्रू उनको लीगल नोटिस भेजा है डिफेमेशन सूट का। इवन हमारा जो इस्कॉन ब्यूरो है वो बॉम्बे से बेस्ड है, तो वो लोग भी ये पूरे संज्ञान को लेते हुए उसमें वर्कआउट कर रहे हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको इकट्ठा कर रहे हैं। कलकत्ता की तरफ से जो नोटिस भेजा गया है उसके लिए एक सप्ताह का समय रहता है। ये प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है। एक सप्ताह के बाद में अगर उनका कोई उत्तर नहीं आएगा तो फिर विल टेक फॉर द नेक्स्ट स्टेप।